तो दोस्तों शुरू करते हैं जी के जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर दो है, बथुकम्पा और बोनालू किस राज्य के राजकीय त्यौहार है? बथुकम्पा और बोनालू हैं तेलंगाना के राजकीय त्यौहार। क्वेश्चन नंबर तीन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80। क्वेश्चन नंबर चार है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है युवराज सिंह की। क्वेश्चन पाँच है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा अमेरिका और वेस्टइंडीज में। क्वेश्चन नंबर छः है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर सात है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो यह पाया जाता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर आठ है, गोंडवाना हिल्स कहाँ स्थित है? गोंडवाना हिल्स स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नौ है, नेचुरल हिस्ट्री राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1978 में। क्वेश्चन नंबर दस है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक हैं नवदीप सिंगल। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः कैसी थी? तो यह थी ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर तेरह है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की घोषणा कौन करता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की घोषणा करता है वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर चौदह है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? ये थे जीसी हिल्टन। क्वेश्चन पंद्रह है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। क्वेश्चन नंबर सोलह है, भारत में नागरिकों को प्राप्त मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह है विधिक अधिकार। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर का प्रहरी किस अर्धसैनिक बल को कहा जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है असम राइफल्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस, विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। नेक्स्ट है, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म ये अवार्ड दिया गया था शेरशाह को। नेक्स्ट है, नुआखाई जोहार उत्सव, नुआखाई जोहार उत्सव इसका संबंध है ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी विमान महापोत यह है INS विक्रांत। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। नेक्स्ट है, ऋषि सुनक बने हैं इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल ये हुए हैं गुजरात और इनका शुभंकर था सावज। नेक्स्ट है, सेला सुरंग और बोमदिला दर्रा यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, राजपथ का नया नाम, राजपथ का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है, साइरस मिस्त्री का निधन, साइरस मिस्त्री का निधन इनका संबंध था उद्योगपति से। नेक्स्ट है, 2+2 वार्ता यह होती है भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है, जयंती पटनायक का निधन, जयंती पटनायक का निधन हो गया है, ये थी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा 132वां। नेक्स्ट है, मोरबी पुल का संबंध है, मोरबी पुल का संबंध है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का निधन ये थी ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी, भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 89वां। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग के नए सीईओ, खादी और ग्रामोद्योग के नए सीईओ बने हैं विनीत कुमार। नेक्स्ट है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान, कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, लोथल, लोथल स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है, एशिया कप 2022 विजेता, एशिया कप 2022 का विजेता बना है श्रीलंका और इसमें उपजेता रहा है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यह तेलंगाना में। नेक्स्ट है, SCU की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी यह बनी है वाराणसी। नेक्स्ट है, घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है, घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, डोरंड कप का संबंध है, डोरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा यह है वाराणसी से बोगीविला असम तक। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप ट्रकी। नेक्स्ट है, झूलन गोस्वामी का संबंध है, झूलन गोस्वामी का संबंध है क्रिकेट से।
नेक्स्ट दूसरा नैनो खाद प्लांट, दूसरा नैनो खाद प्लांट ये बनाया हरियाणा में। नेक्स्ट जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी ये प्रधानमंत्री है इटली की। नेक्स्ट नोरू क्या है, नोरू है एक चक्रवात। नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान।